हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है। इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ मैं। 75th इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का, तो 75 रुपीज़ नोट को शायद लॉन्च किया गया या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं। ऐसा सुनने में आया था कि 75 रुपये का नोट 75 साल के मौके पर कुछ बनाया जा रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी करेंसी 75 रुपीज़ नोट के बारे में हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। बिना देरी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द वीडियो नाउ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 75 रुपए का नोट जारी कर रही है। ये नोट कैसा होगा और ये निकाला क्यों जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा और पाकिस्तानी करेंसी की तारीख भी एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 75 रुपए का नोट जारी कर रहा है। ये नोट सब्ज और सफेद रंग का मिक्सचर है। इस नोट पर कायद आजम मोहम्मद अली जिना, फातिमा जिना, अलामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान की तस्वीरें प्रिंट हुई हुई हैं। इस नोट के पीछे मारखोर और दियार की तस्वीरें हैं। इस नोट के सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इस नोट पर दो वाटर मार्क्स हैं। अगर आप वॉशिंग में देखें तो ये वाटर मार्क्स जिनमें कायद आजम की तस्वीर और 75 का हिंसा नजर आता है। इसके अलावा इस नोट के धागे पर भी 75 का हिंसा प्रिंट हुआ हुआ है। इस नोट पर जहां 75 लिखा हुआ है उसको हिलाने पर ये हिस्सा सुनहरी और सब्ज रंग का हो जाता है। ये नोट अगले महीने यानी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अवेलेबल होगा। दोस्तों, बात करें पाकिस्तानी करेंसी की तारीख की तो 1947 के फौरन बाद जाहिर सी बात है कि ये पॉसिबल नहीं था कि पाकिस्तान अपनी करेंसी जारी कर देता। इसीलिए पाकिस्तान उस वक्त ब्रिटिश इंडियन सिक्के और नोट्स इस्तेमाल कर रहा था जिन पर बस पाकिस्तान प्रिंट कर दिया जाता था। 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान ने अपने पहले नोट्स जारी करना शुरू किए। ये नोट्स 5, 10 और 100 रुपए के थे। इन पे पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद के साइन हुए हुए थे। इनको इमरजेंसी बैंक नोट सीरीज कहा जाता था, लेकिन इनमें ना तो वाटरमार्क था और ना ही कोई थ्रेड, यानी ये नोट सिक्योर नहीं थे। 1949 में 2 रुपए के नोट्स भी जारी कर दिए गए थे। इन 2 रुपए के नोट्स को एक ब्रिटिश फर्म ब्रैडबरी विल्किंसन एंड कंपनी ने छापा था। ये नोट्स 3 जबानों में छापे गए थे, इंग्लिश, उर्दू और बंगाली। इन नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड कर दिए गए थे, जैसा कि वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड। दोस्तों, 1956 में फैसला हुआ कि 100 रुपए के नोट्स पर बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना की तस्वीर छापी जाएगी। ये नोट्स 1957 में जारी किए गए थे। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हो गया तो नोट से बंगाली टेक्स्ट हटा दिया गया और इसलिए पाकिस्तान में नए नोट्स जारी किए गए। दोस्तों, 1977 में 50 रुपए का नोट जारी हो गया था। 1986 में 500 रुपए का एक नया नोट और 1987 में पाकिस्तान में 1000 रुपए का नोट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 2005 में पाकिस्तान में 5th generation नोट्स जारी किए गए और 20 रुपए का नोट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स को भी बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, बात अगर रुपए की कदर की जाए तो 1947 में $1 3.31 पाकिस्तानी रुपए का था। 1956 में डॉलर बढ़कर 4.76 रुपए का हो गया और 1971 तक डॉलर इतने का ही रहा। 1972 में डॉलर 11 पाकिस्तानी रुपए का हो गया था। 1992 में $1 25 रुपए का हुआ और ईयर 2000 में तकरीबन 52 रुपए का, और आज डॉलर 200 पाकिस्तानी रुपयों को क्रॉस कर चुका है। ये थी पाकिस्तानी करेंसी की छोटी सी हिस्ट्री। बढ़िया था यार, मजा आया। ये कुछ हिस्ट्री थी पाकिस्तान के नोट्स की जो मुझे नहीं पता था कि कब कब लॉन्च हुए हैं, कब बने हैं, और पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद भी इंडियन करेंसी पर पाकिस्तान लिखकर ये मतलब वो नोट्स चलाए जाते थे और चलते थे पाकिस्तान में। ये हिस्ट्री मुझे नहीं पता थी यार, बहुत ही डीप और बहुत ही नॉलेज मिली इसको जानकर, एंड सब कुछ रियल ही होगा इसमें आई थिंक। और हिस्ट्री जानकर बड़ा मज़ा आया इसमें। 75 रुपीज़ का नोट 75 साल होने के मौके पर लॉन्च किया जाएगा, मतलब उसको रिवील किया गया है अभी 14 अगस्त को शायद। सो ये सितंबर 2022 में लॉन्च भी हो जाएगा 75 का नोट। 20 का नोट कब लॉन्च हुआ, मतलब कुछ कुछ सालों में 50, 100, फिर 1000 का नोट, फिर 20 का नोट आया, और जो
नोट की जो देखने में लगता है ना, ये तो थोड़े पुराने नोट थे देखने को, यहाँ पर भी 1-2 रुपए का अगर नोट देखा जाएगा तो वो ब्राउन से लाइट वैसे कलर के दिखते हैं और आपको पता चलेगा कि वो पुराने टाइम के हैं। आज करेंसी चेंज हो गई है, इंडिया की भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कलर वलर सब कुछ चेंज हो गया है, नोट वगैरह का तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। और यहाँ पर 1,000 रुपये का नोट जो है वो बंद भी हो चुका है, चला था, अब 2,000 का डायरेक्ट चल रहा है। सिक्योरिटी वगैरह ये सारा कुछ होता है, पहचान होती है, और वो कलर चेंज होना, 75 रुपये का नोट काफ़ी सही लग रहा है मतलब देखने में, मिक्सचर जो है वाइट और ग्रीन का, जो ग्रीन पाकिस्तान का जो है ही फ्लैग का जो कलर है, और मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर भी बाद में लगाई गई, ये भी मुझे जानने को मिला। मुझे लगता था कि जब से बना है पाकिस्तान तब से ही वैसे ही नोटों पर उनकी पिक्चर आ रही होगी, लेकिन नहीं, काफ़ी कुछ उसमें चेंज था। इकबाल और उनकी बीवी इन लोगों के फ़ोटो भी उस पर लगाए गए हैं, तो कमाल की नॉलेज थी इसके अंदर। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगे ये वीडियो, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।